प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 8.2 करने के लिए मैंने आपको कहा था कि सारी की सारी टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो सिर्फ आपकी पास सिर्फ नोटबुक खुली होनी चाहिए, बाकी आपको यहीं पे वैल्यू बतानी है, देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है कि आपको कितना दिमाग में रहता है कितना नहीं रहता, वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये कर लिया था ना फर्स्ट पार्ट, तो एक बार क्विक कर लेते हैं। साइन 60 कोस 30 प्लस में साइन 30 कोस 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2 मल्टीप्लाई में कोस 30 की वैल्यू प्लस में साइन 30 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या हो जाएगा? 3, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस में 1 इंटू 1 कितना 1, 2 इंटू 2 कितना 4, एलसीएम सेम है तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 कितना आएगा 4/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट क्या है? 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू में 10 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, 10 का क्या है? स्क्वायर है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 10 45 का मान कितना होता है? 1, प्लस में कोस का स्क्वायर है, ठीक है, कोस 30 का मान कितना होता है? रूट 3 अपॉन में कितना 2, माइनस में साइन का भी स्क्वायर है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 अपॉन में कितना 2। तो ये देखो रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर किस चीज़ का है? प्लस का। ये रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर किस चीज़ का है? माइनस का। तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट कितना है? कोस 45 अपॉन में सिकेंट 30 प्लस में कितना कोस सिकेंट 30। तो कोस 45 की वैल्यू कोस 45 की 1 अपॉन में कितना रूट 2, 1 अपॉन में कितना रूट 2 सिकेंट 30, सेकेंड 30 की वैल्यू टू अपॉन में कितना रूट 3, क्यों? कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 अपॉन में 2 होती है, तो उसका उल्टा कर देंगे 2 अपॉन में रूट 3 कोस सेकेंड 30, तो 2 अपॉन में कितना है 1 ही रहेगा ना, कितना हुआ 1 अपॉन में रूट 2। ऊपर वाले को तो अभी छोड़ो, नीचे वाले का देखते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? रूट 3 आएगा, कितना आएगा? तो यहाँ पर तो रूट 3 है, तो रूट 3 एकम पे ही जाएगा, एक पे, एक गुना में 2 करेंगे कितना आएगा 2, प्लस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ऊपर कितना है 1 अपॉन में रूट 2, ठीक है, और नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, कितना आ जाएगा? दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पर क्या रह जाएगा रूट 3, ठीक है। आंसर चेक करो कितना है, इसको सोल्व कर रखा है या इतना ही दे रखा है? रूट 3 अपॉन में कितना 2 इंटू में रूट 2 2√2 और ब्रैकेट में कितना 1 प्लस रूट 3, अगर यही है आगे और है,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में रैशनलाइज करना है, प्रमेयकरण करना है, हर का प्रमेयकरण। तो रूट थ्री अपॉन में कितना है, टू रूट टू, ब्रैकेट में कितना, वन प्लस में कितना, रूट थ्री। ठीक है, हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, अगर नीचे ये है रूट टू है, इसको खत्म करने के लिए क्या चाहिएगा, रूट टू से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड। ऊपर रूट थ्री इंटू में रूट टू क्या हो जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवानी है। अपॉन में कितना, टू तो पड़ा ही है, रूट टू इंटू में रूट टू टू हो जाएगा, रूट टू इंटू में रूट टू कितना हो जाएगा, तो इंटू में टू और आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना है, वन प्लस में कितना है, रूट थ्री। ठीक है, तो अपॉन में कितना हो गया, दो गुना में दो कितना हो गया, चार। अभी भी नीचे क्या है, वन प्लस रूट थ्री है। ठीक है, अब इसको भी रूट हटाना है, तो यहाँ पर तो पहले क्या था, अकेला रूट टू था, तो रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड कर दिया था। लेकिन अगर अपॉन में क्या हो, ए प्लस बी हो, या फिर अपॉन में क्या हो, ए माइनस बी, चाहे रूट ये वाला हो, चाहे रूट ये वाला हो, चाहे दोनों के दोनों रूट हो। ठीक है, तो रूट कब बढ़ता है, जब स्केयर बन जाता है, रूट कब बढ़ता है, जब, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई, a माइनस बी से डिवाइड। क्यों, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फार्मूला बन जाएगा। ऐसे ही अगर a माइनस बी है तो इसको किससे करेंगे, a प्लस बी अपॉन में कितना, a प्लस बी, तब इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहां पर ए प्लस बी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको a माइनस बी यानी 1 माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, रूट सिक्स के ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में कितना है, 4 तो है ही, और a प्लस बी गुना में a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस में कितना, b का स्केयर। ठीक है, ऊपर कितना है, रूट सिक्स ब्रैकेट में कितना है, वन माइनस रूट थ्री अपॉन में कितना है, फोर। वन का स्केयर कितना होता है, रूट थ्री का स्केयर कितना होगा, थ्री, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री। ठीक है, तो वन माइनस थ्री में से क्या रह गया, माइनस टू रह गया, कितना रह गया, माइनस टू रह गया, माइनस टू बार कितना है, फोर, तो 4 इंटू में माइनस टू, चार की गुना करवानी है माइनस टू से, तो चार गुना में दो कितना हो जाएगा, 8। ये किस चीज़ का है, प्लस का, ये किस चीज़ का है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस कितना है भाई, ऊपर ले जाओ माइनस को, आंसर में क्या है, यही है क्या, 3 क्या है, थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स डिवाइड बाय, ये है ना, तो ये जो माइनस वाला साइन है इसको ऊपर ले जा। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, चाहे माइनस आप यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, अगर मल्टीप्लाई में है तो, गुना में है तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस का रूट सिक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, तो माइनस रूट सिक्स गुणा में एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, किस चीज का, माइनस का, किस चीज का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का रूट सिक्स आ जाएगा, माइनस इंटू में माइनस प्लस, रूट सिक्स इंटू में रूट थ्री कितना हो जाएगा, 18, तो रूट 18 हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा। ठीक है, वो किस चीज का था, पहले वाला किसका था, माइनस का, दूसरे वाला किसका हो गया था, प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख दिया, अपॉन में कितना है, 8। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 2, 18 को क्या लिख सकते हैं, इनमें से किसका वर्गमूल बार आ सकता है, कितना, 3 का। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, रूट 2 माइनस में कितना, रूट 6 अपॉन में कितना, 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी थी, वो तो आंसर हमारा पहले आ गया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अपॉन में अगर रूट है तो उसका प्रमेयकरण करना है। कैसे करते हैं? अगर अकेला ही रूट टू है, अकेला ही रूट है, तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, उसका काम तो ऐसे ही हो जाता है। ए प्लस बी है तो क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, ए माइनस बी से डिवाइड। ऐसे ही कितना, अगर ए माइनस बी अगर दे रखा होता नीचे, तो फिर क्या करते, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और ए प्लस बी से डिवाइड, ठीक है। अगला क्या है, साइन 30 साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड में सेकेंड 30 कोस 60 प्लस कोट 45। तो साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना, प्लस में टेन 45 का मान एक, टेन 45 का मान कितना, माइनस में कोस सेकेंड 60 टू अपॉन रूट थ्री डिवाइड में सिकेंड 30 का टू अपॉन रूट थ्री प्लस में कोस 60 का वन अपॉन में कितना टू प्लस में कोट 45 का वन, ठीक है। तो ये हाफ है और ये वन है, तो एक और आधा कितने हो गए, डेढ़ कितना होता है, तीन बटा दो कितना होता है, क्या करेंगे, दो एकम दो हो गया, दो रे कितना हो गया तीन, तो तीन बटा दो, तीन बटे में कितना दो, माइनस में क्या पड़ा है ऊपर टू अपॉन में कितना है रूट थ्री, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, आधा और एक कितने हो गए, थ्री अपॉन में कितना हो गया टू, और क्या पड़ा है प्लस में क्या पड़ा है टू अपॉन में क्या किया है रूट थ्री। इसको ना मैंने बाद में लिख लिया, ए प्लस बी लिख लो चाहे बी प्लस ए लिख लो, बात तो बराबर ही है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये क्यों, ये ऊपर क्या था माइनस का था और नीचे क्या था ये प्लस का था, तो मैंने क्या लिख दिया ए माइनस बी, ऊपर नीचे कितना आ गया ए प्लस बी, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो, ऊपर वालों का लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर टू है और यहाँ पर रूट थ्री है, तो टू रूट थ्री आएगा, दो भी आएगा और रूट थ्री भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो टू तो है, यहाँ पर टू तो है, क्या नहीं है रूट थ्री नहीं है, तो रूट थ्री इससे तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री रूट थ्री, यहाँ पर रूट थ्री तो है, क्या नहीं है टू नहीं है, तो टू इंटू में टू कितना हो जाएगा फोर अपॉन में, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम भी यही आएगा टू रूट कितना थ्री, टू तो है क्या नहीं है रूट थ्री नहीं है, तो रूट थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा थ्री रूट थ्री, प्लस का साइन है बीच में, रूट थ्री तो है तो टू नहीं है, तो टू इंटू में टू कितना आ जाएगा फोर, ठीक है। इसके डिवाइड में टू रूट थ्री है, इसके भी डिवाइड में टू रूट थ्री है, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन में कितना थ्री रूट थ्री प्लस में कितना फोर, ठीक है। क्या करते हैं, नीचे अगर रूट आता हो तो क्या करते हैं, उसका प्रमेयकरण करना है, क्या करना है, नीचे क्या है ए प्लस बी है, तो क्या करना है फिर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और ए माइनस बी से डिवाइड, ठीक है। ऊपर देखो a माइनस बी गुना में a माइनस बी है, ऊपर यही है ना, yes,
तो a माइनस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी करोगे तो क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्केयर हो जाता है। नीचे देखो, नीचे क्या है, a प्लस बी है और मल्टीप्लाई में a माइनस बी है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्केयर अपॉन में, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्केयर माइनस में क्या हो जाएगा b स्केयर। ठीक है, a माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला पता है क्या क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ए की जगह पे कौन है, थ्री रूट, तो क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री का क्या हो जाएगा स्केयर, प्लस में बी की जगह पे कौन है तो फोर का क्या हो जाएगा स्केयर, माइनस में कितना टू, इंटू में ए की जगह पे कौन है, थ्री रूट थ्री इंटू में बी की जगह पे कौन है फोर अपॉन में, नीचे क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देखो थ्री का स्केयर करोगे कितना आएगा, और रूट थ्री का स्केयर करोगे कितना आएगा, रूट थ्री का स्केयर करेंगे थ्री आ जाएगा, बार कितना है नौ, और गुना में कितना तीन, तो नौ गुना में तीन कितना आ जाएगा सत्ताईस। ठीक है, माइनस में चार का स्केयर करना है सोलह, आ गया समझ में क्या, ऊपर यहां पर थ्री रूट थ्री का स्केयर कितना आएगा, यही आएगा, कितना आ जाएगा सत्ताईस, चार का स्केयर कितना आ जाएगा सोलह, इनकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तीन गुना में दो छः, छः गुना में चार, ये चार भी तो है ना गुना में, तो छः गुना में चार कितना हो जाएगा, तो चौबीस रूट थ्री हो जाएगा, आ गया समझ में क्या, सत्ताईस और सोलह कितने हो जाएंगे, फोर्टी थ्री माइनस में कितना ट्वेंटी फोर रूट थ्री अपॉन में कितने, ये आंसर आ जाएगा फिर आप। ठीक है, इसके डिवाइड में रूट नहीं है ना, अब तो रूट नहीं है, तो ये फिर फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद में जो चीजें जुड़ती हैं वो तो जोड़नी पड़ेंगी आपको, जोड़ दिया आपने, उसके बाद में क्या आएगा कि अपॉन में अगर रूट है, अपॉन में अगर रूट आ जाता है तो इसको खत्म करना ही करना है। ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो हर का क्या करना पड़ेगा, प्रमेय करना। तो अगर a प्लस बी के रूप में है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई, a माइनस बी से डिवाइड। अगर यहाँ पर a माइनस बी होता तो फिर क्या होता, a प्लस बी से मल्टीप्लाई, a प्लस बी से डिवाइड, और अकेला ही रूट होता, अकेला ही रूट होता तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है, तो नीचे से रूट क्या हो जाएगा आपका, सोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला सम क्या है, 5 मल्टीप्लाई में कितना है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू में सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 प्लस में कितना कोस स्क्वायर 30। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई में क्या है, कोस का क्या है स्केयर है, कोस 60, कोस 60 का वैल्यू 1 अपॉन में कितना 2 प्लस में 4 सेकेंड का क्या है स्केयर है, सेकेंड 30 2 अपॉन में कितना माइनस 10 का स्केयर है, तो 10 45 कितना 1 डिवाइड में साइन 30 1 बाय 2 का स्केयर प्लस कोस रूट 3 अपॉन में कितना 2।
फाइव इंटू में वन का स्केयर, वन टू का स्केयर प्लस फोर इंटू में टू का स्केयर रूट थ्री का स्केयर माइनस वन का स्केयर अपॉन वन का स्केयर टू का स्केयर रूट थ्री का स्केयर टू का स्केयर ऊपर कितना बन गया, पांच गुना में एक बटा चार करेंगे तो पांच बटे चार, पांच गुना में एक करोगे पांच ही आएगा, प्लस में चार गुना में चार कितना सोलह, बटे में कितना तीन, माइनस में कितना एक, डिवाइड में दोनों का एलसीएम सेम है तो दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा वन, प्लस में कितना आ जाएगा थ्री, तो वन प्लस थ्री कितना होता है फोर, फोर से फोर कैंसल तो अपॉन में कितना आ जाएगा वन, तो वन तो लिखने की जरूरत होती नहीं फिर आके, ठीक है तो ये लाइन्स लिखनी है नीचे जाके वन तो वन बन जाएगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, चार और तीन का लेना है ना, तो चार और तीन का कितना आ जाएगा बारह, कितने पे जाएगा तीन पे, तीन गुना में पाँच, अच्छा पंद्रह, कितने पे जाएगा चार पे, चार गुना में सोलह चौंसठ, चार गुना में सोलह कितना माइनस, यहाँ पर कितना है एक है ना, कितने पे जाएगा बारह पे जाएगा, बारह गुना में एक कितना बारह, तो पंद्रह में से बारह तीन, तीन प्लस के रह गए ना और प्लस के चौंसठ हो रहे हैं तो कितने हो गए सिक्सटी, डिवाइड में कितना हो जाएगा बारह, ठीक है ये आंसर आ जाएगा। इसका लघुत्तम लिया है ये वाला, इसके नीचे कितना था एक का पाड़ा कहां तक लेके जाना है बारह तक लेके जाना है, कितने पे जाएगा बारह पे जाएगा, जैसे तीन का पाड़ा कितने पे लिया था चार पे गया था ना, तो चार को ऊपर वाले से गुना करवा दिया था, ठीक है अब एक का पाड़ा कहां तक जाएगा बारह तक जाएगा, तो बारह गुना में एक करेंगे कितना आ जाएगा बारह आ जाएगा, यहां पर अगर दो होता तो फिर बारह गुना में दो आ जाता, कितना आ जाता चौबीस आ जाता, यानी नीचे वाला पाड़ा लेके जाना होता है आपको यहां तक, तो ये कितने पे जाता है बारह पे गया है, तो बारह को ऊपर वाली रकम से गुना करवाना है, ठीक है। पहले के हो गए सारे पार्ट क्या, दूसरा